लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ कहते हैं कि इसमें धांधली है, तो आप चुनाव किससे कराना पसंद करेंगे, बैलेट पेपर से ईवीएम से? देखिए बैलेट पेपर से तो बिल्कुल होना चाहिए, हमारी मांग भी है बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जिन लोगों ने इस मशीन का ईवीएम का ईजाद की, जिन और बड़े बड़े जो अपने आप को विज्ञान में बड़े आगे मानते हैं जो यूरोपियन कंट्रियाँ, उन 55 कंट्रियों ने भी जहाँ पे ईवीएम शुरू हुई थी फिर लोगों ने विरोध किया, उन्होंने बैलेट पेपर पे आगे वापस, और खुद अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है हर चीज़ में, वहाँ पर आज भी बैलेट से वो अपने पेपर पे वो कराता है, इलेक्शन कराता है। तो ये दिल्ली भारत में क्यों नहीं ईवीएम से होनी चाहिए, हमारी मांग है, लेकिन जब तक नहीं होती है तो पूरी निगरानी करेंगे और फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरीके से जो लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम में और जंतर मंतर और सभी जगह उसके अंदर हैंग करके दिखा रहे हैं, उसे गड़बड़ करके दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी मैदान में नहीं आई है, जो चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि भाई हमें तो मशीन ने हराया है। देखिए ऐसा है कि जो जिन लोगों ने गड्ढे खोदे हैं ये तो ये भुगतने पड़ेंगे, कांग्रेस कैसे किस मुँह से बोल सकती है? जब कांग्रेस ईवीएम ला रही थी तो इस देश के बुद्धिजीवियों ने, इस देश के ट्रेड यूनियन नेताओं ने, इस देश की जनता ने घोर विरोध किया, लेकिन वो कहते थे भाई उस समय ये अगर ये आज की जो सरकार है इसका विरोध करो तो कहते हैं भैया ये राष्ट्र विरोध, देश विरोधी हो, पाकिस्तानी हो। और उस समय हम कांग्रेस का जब विरोध होता था इन चीज़ों का तो कांग्रेस कहती हो आप विकास विरोधी हो, आप डेवलप नहीं चाहते हो, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और कांग्रेस विरोध नहीं कर सकती ताकत से, क्योंकि ये कांग्रेस की लाई बीमारी है, इसको हम ही ठीक करेंगे। सर चुनाव से पहले अभी गैस के और प्याज के और दूध के रेट इतने हाई हो गए, जो महिलाएं इतराई इतराई कर रही हैं, क्या ये चुनाव मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए आप देख रहे हैं कि जब प्याज 5 रुपए से 7 रुपए 10 रुपए 20 रुपए होती थी तो हाहाकार मच जाता था, और कई सारी सरकारें तो प्याज के मुद्दे पे ही बन गई, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक महीने की बात है, हम कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ाओगे आप, लेकिन हम अपने हर परिवार को 50,000 न्यूनतम कमाई का हम भरोसा दे रहे हैं और हम करेंगे। पहले लोग कहते थे ये देखो बीजेपी का खेल, खा गई प्याज पी गई तेल, क्या वो नारा अब भी लगेगा? नहीं, अब तो हो गया नहीं, क्योंकि अभी राष्ट्रवादी सरकार बैठी है, लोग विरोध करने में भी डर रहे हैं। महंगाई का तो मुद्दा ही नहीं है, 200 रुपए किलो प्याज हो गई, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला मैदान में, कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया, उसमें हम भी थे, हमने भी किया, लेकिन कोई मैदान में आने को राजी नहीं है। पता नहीं क्या सांप सूख गया है कि जो महंगाई के उस पर कोई नहीं बोल रहा है। देखिए इनकम घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये दो चीज़ें देखने की चीज़ें हैं कि आप इनकम घटा के हमें वहीं पहुंचाना चाहते हो जहां से हम आए हैं, बाबा साहब ने हमें निकाला है, और आप हमारी उधर महंगाई बढ़ा दो चीज़ों की और इधर हमारी इनकम कम कर दो तो हम अपने आप मर जाएंगे। सर जितनी भी पार्टी अनुसूचित जाति की पार्टियां या दलित पार्टियां या बहुजन पार्टियां हैं वो बाबा साहब का नाम बड़े पैमाने पे लेती हैं, जब बाबा साहब का संविधान जलाया जाता है तो उनमें से कोई भी निकल के नहीं आता, जबकि 131 मेंबर पार्लियामेंट भी मुँह देखते हैं और उनके मुँह में दही जम जाती है। देखिए सर बाबा साहब ने पूना पैक्ट साइन किया तो तभी कहा था कि भाई ये इन राजनीतिक पार्टियों की जो मनुवादी वर्चस्व की नेतृत्व की पार्टियां हैं उनके अंदर जो हमारे रिजर्वेशन पे जो जाएंगे वो हमारे नहीं होंगे, वो पार्टियों के मजबूर गुलाम होंगे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो इसीलिए ये आज़ाद एक ये गठबंधन तैयार हो रहा है कि इसमें कोई भी मनुवादी नेतृत्वकारी नहीं है, तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ यहाँ पर नेतृत्व में रहेंगे, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और अपने गरीब समाज के लिए, कमज़ोर समाज के लिए काम करें। ज्ञान जी एक सवाल लेना चाहूँगा, आप अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं? नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ सर, ये मतलब ये हमारे गठबंधन आपके लोग ही कह रहे हैं जी। किस तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि केजरीवाल नहीं अच्छे काम कर रहे हैं और आप अच्छे काम करेंगे, वो भरोसा कैसे करेंगे? देखिए अभी पहली बात तो हमने पूरी उसके विस्तार से बताया, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट। हम जो घोषणा पत्र हम आज जारी करने वाले थे इसीलिए नहीं किया क्योंकि पहले तो इनका फेलियर हम पूरे विस्तार से लिख रहे हैं कि जो इन्होंने हम क्यों आए, अगर ये अच्छा काम करे तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। कहीं ना कहीं जब ये सरकार बन रही थी, एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ था दिल्ली के अंदर अन्ना आंदोलन, उससे हम भी प्रभावित थे कि भाई एक नई राजनीति आएगी देश के अंदर, हमें थोड़ी पता था तुम मुफ्तखोर बनाओगे लोगों को, जो जनता का पैसा, रोजगार का पैसा, इज्जत मान सम्मान का पैसा है उसको तुम चोर लालाओं को बांट दोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो ये हम राजनीति करने आ रहे हैं, जो राजनीति को लेकर के आ रहे हैं, ये राजनीति बिल्कुल अलग होगी और हम पूरा दस्तावेज बना रहे हैं इनके फेलियर का भी, और हम अपना क्या वादे कर रहे हैं और हाउ हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको लागू कैसे करेंगे, इस पे भी हम तीनों चीज पे विस्तार से बना रहे हैं और वो हम आपको जल्द देंगे। एक बात है,
कि अगर जनता को फ्री में सब कुछ मिल रहा हो तो वो ऐसी सरकार को क्यों चुनेगी जो उनका खर्चा कराए। देखिए, इस दुनिया के अंदर ये पहली सरकार है जिसने फ्री दिया, और फ्री भी किसका, हमारा पैसा दिया है जो अनुसूचित जाति का, कमजोर वर्गों का है, माइनॉरिटी का, मुस्लिम के वोट ले लिए, मुस्लिमों के लिए वोट इन्होंने बजट रखा, उनके एजुकेशन और उसके लिए रखा, नहीं रखा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई फ्री वाला कोई सिस्टम नहीं, हम इज्जत मान सम्मान से रोजगार देंगे, आप इज्जत से कमाओ और इसका बिजली का बिल भी भरो, बढ़िया बढ़िया मॉल में जाके शॉपिंग करो, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंटों में रोटी खाओ, अपने बाल बच्चों को इज्जत से जीना सिखाओ, ना कि फ्री की लेकर के। फ्री के हमें फ्री देने वाला भी नहीं चाहिए और फ्री लेने वाले भी। इसका एक और जवाब है जो फ्री देने वाली आप बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को जो मीडिया के हमारे सम्मानित भाई बहन हैं उनको पूछना चाहिए केजरीवाल से कि भाई अब आपने जो ये जो महिलाओं को फ्री राइड दे रहे हैं बसों में या बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, क्या ये आपके बजट का हिस्सा था? बजट का हिस्सा तो था नहीं, ये तो इन्होंने बाद में निर्णय लिया कि इसको फ्री करना है, या तो बजट में कहते कि हम बिजली पानी फ्री करेंगे तब तो हम मान लेते, तो ये बजट में जब था नहीं और अब बाद में आपने फ्री किया तो ये पैसा कहाँ से आया? ज्ञानी जी सही कह रहे हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट का पैसा जो केंद्रीय सरकार से आता है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है उसका मिसयूज करके इसको फ्री में यूज कर किया जा रहा है, और उस एससी एसटी कंपोनेंट प्लान से जो स्कूल हमारे बनने थे, जो स्कूल अपग्रेड होने थे, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हमारी अपग्रेड होनी थी वो वहीं की वहीं रहेगी, और आपने फ्री दे के, ये तो रिश्वत दे के वोट खरीदने वाली बात है। और जो टैक्स पेयर है इस देश का, जो टैक्स देते हैं लोग, उनका क्या? उनसे पूछा इन्होंने पहले कि हम आपके टैक्स का पैसा ऐसे लोगों को नहीं बांटेंगे? ये गलत परंपरा इस देश के अंदर स्थापित की जा रही है, रिश्वत दी जा रही है वोट लेने के लिए, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।